अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू एजी इंटरनेशनल पब्लिशिंग हाउस टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी मैथमेटिक्स ग्रेड टू यूनिट नंबर टू एंड यूनिट टू इज अबाउट नंबर एडिशन ऑफ थ्री डिजिट नंबर एंड वन डिजिट नंबर विदाउट कैरिंग यानी आज के लेक्चर में मैं आपको सिखाऊंगा कि थ्री डिजिट नंबर में वन डिजिट कैसे ऐड करते हैं टू डिजिट कैसे ऐड करते हैं और थ्री डिजिट कैसे ऐड किया जाता है ये आज हम ये चीजें सीखेंगे तो पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूँ थ्री डिजिट से वन डिजिट में फाइंड द सम फोर्टी थ्री एंड फाइव तो आपने इस तरीके से उसको वर्टिकल फॉर्म में लिख लिया बिल्कुल आसान तरीका है ये आपके सामने बैग्स बने हुए हैं हंड्रेड का बैग है ये टेन के बैग्स बने हुए हैं और ये कॉइजला है ये आपको सिर्फ समझाने के लिए कि आपको चीजें विजुअली नजर भी आए हो क्या रहा है ये इसलिए बताया इसलिए इसको देख के कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल आसान तरीका कार होता है आपने करना क्या है वन्स में वन्स करने हैं के? की बात हो रही है ना तो वंस में वंस ऐड करने हैं तो थ्री प्लस फाइव देखो उस पहले स्टेप में ऐसे किया गया थ्री प्लस फाइव वन टू थ्री वन टू थ्री फोर फाइव ये इधर क्वाइंस अगर काउंट कर लो तो ये फाइव लगे हुए हैं ना तो इनको टोटल काउंट करो तो ये एट क्वाइंस बन जाते हैं तो वो नीचे एट क्वाइंस बना के आपको दिखा भी दिए लाइंस की मदद मतलब से काउंट करो तब भी वो एट ही आएंगे अब क्योंकि ये टू डिजिट आंसर ही नहीं आया था तो लिहाजा कैरिंग का तो कंसेप्ट ही नहीं इधर बनता अगर वन डिजिट नंबर आया तो वो फिर सिंपल विदाउट कैरिंग सॉल्व हो रहा होता अब अगर इधर देखो तो फोर के नीचे कोई भी नंबर नहीं है तो जब कोई भी नंबर नहीं है उधर उसका मतलब होता है जीरो तो जीरो में कोई भी नंबर ऐड करो उसे फर्क नहीं पड़ता इसका मतलब स्टेप वन में आपने जो किया उनको ऐड कर लिया बाकी वाले जो दो नंबर है देखो ये एज एट इज आ गए फोर वाला भी और फाइव वाला भी एज एट इज आ गया बात समझ आ रही है यानी फाइव फोर्टी थ्री में जब आपने फाइव को ऐड किया तो सिर्फ ये वाले नंबर ऐड हुए इनका आंसर एट बना ये वाला नंबर भी एज एट इज आ गया और ये वाला नंबर भी एज एट इज आ गया तो ये थी एडिशन ऑफ थ्री डिजिट नंबर एंड वन डिजिट नंबर बात समझ आ रही है देखो इनमें भी कोई चेंजिंग नहीं हुई जो थे वैसे के वैसे ही हमने नीचे अपने सम वाले कॉलम में इसको ड्रा कर दिया इसी तरीके से अगर आप देखो तो थ्री डिजिट नंबर विद टू डिजिट नंबर विदाउट कैरिंग कैसे किया जाता है तो देखें सिक्स फाइव फोर है दूसरे नंबर पे हमारे पास है फोर्टी थ्री तो ये आपको ये बना के दिखाया गया है इस तरह लिखने को बेटा वर्टिकल फॉर्म कहते हैं वर्टिकल मेथड ऑफ एडिशन कहते हैं इस तरीके से ऐड करना तो वंस में वंस टेंस में टेंस और हंड्रेड में हंड्रेड ऐड होंगे तो जब वंस में ऐड करोगे तो वन टू थ्री फोर आगे थ्री है वन टू थ्री तो इनको काउंट कर लो फोर प्लस थ्री मीन सेवन अब इधर देखें तो टेंस में टेंस ऐड होने हैं तो फाइव है वन टू थ्री फोर फाइव आगे फोर लाइन्स है वन टू थ्री फोर तो इनको काउंट करो फाइव सिक्स सेवन एट नाइन तो ये आपने कॉलम में लिख देना है इसी तरीके से सिक्स के नीचे कोई भी नंबर नहीं है इसका मतलब है ये एज इज आ जाएगा तो इनको जब ऐड करोगे आंसर क्या आएगा सिक्स यानी सिक्स हंड्रेड नाइन्टी सेवन स्टेप आपने याद रखने हैं पहले वंस में वंस ऐड हुआ टेंथ में टेंस ऐड हुआ और हंड्रेड में हंड्रेड ऐड हुए बात समझ आ रही है इसी चीज को आपको पिक्चर्स की मदद से भी समझाया गया है ठीक है भाई देखो ये वंस है इसमें वंस ऐड हुआ है तो ये आंसर वंस में आया क्लियर है आगे टेंस थे तो टेंस में टेंस वाले ऐड हुए तो आंसर टेंस की शक्ल में आया इधर हंड्रेड्स में कुछ भी नहीं था तो इसलिए आंसर में वो एज इट इज ही बैग्स आ गए इसी तरीके से आपने एडिशन ऑफ थ्री डिजिट नंबर विद विद्री डिजिट नंबर की बात करते हैं तो इसमें भी आपने नंबर्स को पहले वर्टिकली लिख लेना है जैसा कि इधर सेवन ट्वेंटी एट है और वन सिक्सटी वन है इनको ऐड करने का मतलब है पहले वन में हंड्रेड ऐड होगा में ऐड एट और वन की बात करो तो एट थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट और आगे वन है फिर एक लाइन तो एट से आगे क्या आएगा नाइन यानी एट प्लस वन किया तो आंसर आ गया नाइन अब आगे आप जब इसको tens को ऐड करते हैं तो टू प्लस सिक्स है तो इसी तरीके से लाइंस लगा लें टू से ले सिक्स से आगे काउंट कर लें सेवन और एट है तो लाज़ा इसका आंसर इधर टेंस कॉलम में लिख देंगे इसी तरीके से जब आप हंड्रेड्स को ऐड करेंगे तो ये सेवन है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन आगे एक है तो एक लाइन और लगा लो ये सेवन थी और इससे आगे काउंट किया तो हो गया एट इसका मतलब है इनका ये जो सम आया है एट हंड्रेड एंड एटी नाइन किसका सेवन हंड्रेड ट्वेंटी एट और वन हंड्रेड सिक्सटी वन को ऐड करो तो आंसर क्या आता है एट हंड्रेड एटी नाइन इसी चीज़ को आपको ये पिक्चर्स की मदद से समझाया गया है जैसे मैंने पिछले सफ़े पर आपको ये चीजें क्लियर की हैं सेम उसी तरीके से आपने इनको भी देख लेना है लेकिन ये स्टेप्स याद रखने हैं हमेशा वन में वंस ऐड होंगे टेंस में टेंस और हंड्रेड में हंड्रेड ऐड होंगे इसी से रिलेटेड हमारी प्रैक्टिस सेक्शन है इसको हम सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर वन देखो अब ये देखें ये थ्री डिजिट नंबर है और नीचे टू डिजिट नंबर है तो इसी से रिलेटेड अब क्वेश्चन नंबर टू है अगर आपको ये समझ आ जाता है तो क्वेश्चन नंबर फोर और टू आप खुद कर सकेंगे अब ये सेवन है, सेवन प्लस यानी सबसे सेवन, सेवन से काउंट करो क्या हो जाएगा मतलब तीन स्टेप काउंट करोगे तो ये फाइव बन जाएगा और इसके नीचे कोई भी नंबर नहीं था तो लिहाजा ये एज इट इज फाइव यानी फाइव प्लस जीरो अब पार्ट टू और पार्ट फोर इसी से रिलेटेड आप खुद कर सकते हैं पार्ट थ्री में अगर देखो तो थ्री डिजिट नंबर को थ्री डिजिट नंबर में ऐड करना है तो तरीका कर फिर वही होगा वन में वंस टेंस में टेंस और हंड्रेड में हंड्रेड्स को ऐड करेंगे इधर एट और वन आया तो इसका मतलब है एट एट के आगे काउंट करो एक स्टेप और काउंट करो तो बन जाता है नाइन अब सेवन है सेवन से टू स्टेप और आगे काउंट करो सेवन से आगे आया एट एट के बाद आया नाइन तो ये आपने इधर लिख दिया टू के आगे काउंट कर लें थ्री फोर फाइव तीन था तो तीन स्टेप आगे काउंट कर लिया तो आपको मैं डिफरेंट मेथड से बता रहा हूं कि एडिशन कैसे की जाती है क्लियर है इसी तरीके से आपने क्वेश्चन नंबर फाइव और सिक्स खुद सॉल्व कर लेना क्वेश्चन नंबर सेवन पर आए तो फिर ये थ्री डिजिट का टू डिजिट के साथ है पहले भी मैंने आपको करवाया eight, है क्वेश्चन नंबर एट बिल्कुल सिंपल है थ्री डिजिट नंबर में वन डिजिट ऐड करना है इसका मतलब है सिर्फ वन में वंस ऐड होगा फोर प्लस वन फोर से आगे एक स्टेप काउंट करो तो फाइव बाकी नंबर एज इट इज नीचे आ जाएंगे ठीक है ये वही जो हमने पहले एग्जाम्पल में भी किया है इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर नाइन टेन इलेवन आप लोग खुद करेंगे ट्वेल्थ पे देखें अगर तो तो वंस में वंस ऐड करें सेवन और टू है सेवन से आगे काउंट कर लो एट नाइन टू है टू से आगे फाइव स्टेप काउंट करने हैं थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन तो ये सेवन हो जाएगा इसी तरीके से सिक्स से आगे टू स्टेप काउंट करो सेवन एट सिक्स पहले थे साल टू आगे फिर से काउंट किया तो क्या बन गया एट तो आंसर क्या आया 879 एट सेवेंटी नाइन ये क्या कहलाता है इसका सम कहलाता है तो प्यारे बच्चों आज के वीडियो लेक्चर में हमने थ्री डिजिट नंबर्स को वन डिजिट नंबर में थ्री डिजिट नंबर को टू डिजिट नंबर में और थ्री डिजिट नंबर को थ्री डिजिट नंबर में ऐड करना सीखा विदाउट कैरिंग तो आज के लिए इतना ही फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी अल्लाह हाफिज